हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बीएल वर्मा स्नैक लवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सांपों की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। तो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यहाँ पर एक सांप होने की सूचना मिली थी, तो मैं मौके पर पहुँचा हूँ और सांप इस पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो ये पेड़ से होता हुआ घर में चला गया था, लेकिन घर में से इसको बाहर निकाल दिया तो फिर यहाँ पर आ गया है। वैसे तो मैं खेत में और पेड़ पे सांप नहीं पकड़ता, लेकिन परिवार वाले काफ़ी डरे हुए हैं। लोग कई किलोमीटर से बुलाया गया है, तो मैं इसको रेस्क्यू करता हूँ। सीधी ले आओ, डरपोक मना जो थे। चालू कर ली ना। हाँ, चल रहे चल रहे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर एक सांप को रेस्क्यू कर लिया है। तो काफी डरा हुआ सांप है, तो इस सांप को बिल्कुल डर लग रहा है इसको मेरे से, और इसे लैटरिंग भी कर दिया है। तो जब भी हम इसको रेस्क्यू करते हैं तो ये बहुत ही गुस्से में होता है, और इसको धीरे धीरे जैसे कि हम हाथ लगाते हैं तो इसको अनुभव हो जाता है, पता लग जाता है इसको कि ये मारने वाला नहीं है। तो अभी तो गुस्से में है थोड़ा। मनु चाहिए मैं ये वीडियो मनु भाई जम दे तो साथियों, हमने सांप को रेस्क्यू कर लिया है और ये काफी एग्रेसिव है, इसलिए मेरे हाथ में इसने बाइट भी कर दिया है। लेकिन इसके बाइट करने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये बिना जहर वाला सांप होता है, इसमें 1% जहर नहीं होता है। और लोग इसको देखते ही डरते हैं, तो आप इसकी पहचान देख सकते हैं। इसकी पहचान देख सकते हैं, बार बार जीभ निकालना और झालरदार पूंछ। पड़ोसी देख रहे चाचा को। हाँ, दामन। हाँ, चलो इसको हम जंगल में ले जाकर रिलीज कर देंगे। हाँ, तो इसने बाइट किया था यहाँ पर। बट को बोल दियो। नमस्कार दोस्तों, एक सांप लेकर आया हूँ मैं, जो कि कल्डका गांव से रेस्क्यू किया था। मेरे गांव के पास में ही है थोई गांव, थोई के पास में कल्डका गांव है। तो वहाँ से मैंने ये सांप रेस्क्यू किया था कल शाम को। तो कल शाम को मैं छोड़ नहीं सका इसे, तो मैं अब इसको
छोड़ने के लिए आया हूँ, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। सांप का नाम एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, इंग्लिश में रेड स्नेक, हिंदी में धामन सांप, देहाती भाषा में चूहा सांप, और अपनी देसी भाषा में इसको घोड़ा पछाड़ भी कहते हैं। और ये बिना जहर वाला सांप होता है, तो इसको मैं यहाँ पर जंगल में रिलीज कर देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा ले। बेल आइकन को दबाने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, तो आप उस नोटिफिकेशन को खोल करके वीडियो देख सकते हैं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें भाई साहब, और थोड़ा मजदूर आदमी हूँ थोड़ा सा, कि इसमें मेरा सपोर्ट करें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भीम।